बीते दिनों की याद थी जिनमें मैं वो तराने भूल चुका। आज नई मंजिल है मेरी, कल के ठिकाने भूल चुका। अब साज हूँ मैं, आवाज हूँ मैं, कुछ काम नहीं है आहों से। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। दर्द में डूबे गीत न दे, गम सकता साज न दे। दर्द में डूबे गीत न दे, गम सकता साज न दे। नमस्कार है, वेलकम फिर से कर रहा हूँ अपने चैनल पे, और बीच में काफ़ी गैप हुआ, कारण बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में क्यों गैप हुआ। काफ़ी खुशी का एक मैसेज है जो आप लोगों से डायरेक्टली शेयर करूँगा फुल वीडियो के साथ, और ये गाना बार बार मेरे दिमाग में गूंज रहा था। बहुत ही खूबसूरत गीत है, री स्टार्ट हो रहा है और अभी के बाद कंटिन्यू लेसन आप लोग को मिलेगा। तो इस गीत के साथ इसका प्रैक्टिस आप ज़रूर करें, क्योंकि इस गीत में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको आपके संगीत गायकी को डेवलप करेगा। सबसे खास बात यह है कि हायर स्केल में, हायर नोट में, तार सप्तक में ओकार करके, ओ करके साउंड लगाना, जैसे आकार, ईकार, ओकार, ऐसा साउंड का रियाज होता है वॉइस रियाज के लिए, मैंने बताया है। इस सॉन्ग के अंदर आपका ओकार का रियाज बहुत ज़बरदस्त होता है कि आपके गला के अंदर कितना आपने रियाज किया है वो क्षमता। तो ये जो साउंड इफेक्ट आता है, तो इसको एक रियाज का पैरामीटर आप बना सकते हैं। उसके अलावा बहुत जो ख़ास हरकत है स्केल नोट समझते हुए, मैं थोड़ा डाउन में गा रहा था जो ओरिजिनल स्केल है, आपको इससे भी थोड़ा डाउन में बताऊंगा ताकि स्केल नोट आपके समझ में आ जाए और हर एक लोग गा सकते हैं स्वर को समझ के, स्केल नोट समझ के। आइए देखते हैं, कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा, अभी के बाद वीडियो कंटिन्यू मिलेगा और एक ख़ास वीडियो बहुत जल्द आप लोग के साथ में शेयर करूंगा, जिसमें आप लोगों ने जो मुझे सपोर्ट किया है उसकी बहुत बड़ी एक उपलब्धि मिली है, तो उस वीडियो में उस बात की चर्चा होगी। अभी फ़िलहाल इस गीत को देखते हैं किस स्केल नोट में है, कैसे कैसे इसको इसके प्रॉपर हरकत के साथ आप गा सकते हैं।